दोस्तों क्या आप भी चाहते हो कि हार्दिक पांड्या को टी20 का कप्तान होना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए। दोस्तों हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम को घोषित कर दिया। तो मैं आपको दोस्तों बता दें कि जितने भी सीनियर और बड़े खिलाड़ी सभी को टेबल में बैठा दिया, यानी कि सभी को वापस कर दिया। बोला कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी मेरे साथ में नहीं जाएगा, सारे युवा और जो स्तर खिलाड़ी जाएंगे। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आज की वीडियो के अंदर। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिएगा, क्रिकेट की सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के साथ में 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, उसके बाद वनडे भी सीरीज खेली जानी है। तो आपको बता दें कि T20 की सीरीज के कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है और वनडे की सीरीज के कप्तान बनाया गया शिखर धवन को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने अपनी प्लेइंग 11 पूरी घोषित कर दी। तो क्या है बनने वाली प्लेइंग 11 आपको बता दें। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने प्लेइंग 11 घोषित करने से पहले एक इंटरव्यू में बताया है कि वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल हाथ में लाते जाते छोड़ जाने के जो प्रबल दावेदार दिखाई जाते टीम, उस टीम का कोई पता नहीं रहा है इस तरीके से उन्होंने। और दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर जितने भी सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक व रविचंद्र अश्विन समेत सभी को घर पर छोड़ दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के साथ में भारत की 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। पहला मुकाबला आपको 18 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगा, दूसरा मुकाबला आपको 20 नवंबर को देखने मिलेगा और तीसरा मुकाबला आपको 22 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से कप्तान हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर अपनी टीम कर दी है घोषित। दोस्तों नंबर वन पर आपको बताते हैं कि जो कप्तान हार्दिक पांड्या, उन्होंने ओपनिंग के तौर पर एक बार फिर से अपनी टीम में लाए हुए हैं ईशांत किशन और शुभमन गिल को। तो आपको पता ही होगा शुभमन गिल किस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और साथ ही में वन डाउन पर लाएंगे श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं। और नंबर चार पर आपको पता होगा तेज तर्रार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर लाया गया है। नंबर पाँच पे आपको खेलते नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और संजू सैमसन। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत एक विस्फोटक बल्लेबाज है, संजू सैमसन विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में कुछ कमाल नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तों इनको ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। आपको और भी बता दें दोस्तों कि न्यूजीलैंड के T20 मैच के दौरान ऋषभ पंत को उप कप्तान भी रखा गया है। साथ ही में दोस्तों नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खुद यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। इस तरीके से तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ में हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के घर में जाकर के T20 की सीरीज को अपने घर वापस लाने वाले हैं। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या इस मैच की सीरीज को लेकर अपने घर आ पाएंगे और फिर नहीं आएंगे? अपनी तेज तर्रार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।